हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन की एक और इजी एंड यूजफुल ट्रिक लेकर आई हूँ, सो प्लीज़ स्टे विथ मी टिल द एंड। आज जो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताने वाली हूँ वो ऐसे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल होगी जिनके लास्ट डिजिट या इकाई में 1 हो। जैसे कि आप देख सकते हैं 41 इंटू 31, या इकाई या 1 की प्लेस में दोनों साइड 1 है। इसके लिए हम आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो लास्ट या थर्ड पार्ट है वहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 × 1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट में हम बची हुई संख्या रेस्ट ऑफ द नंबर्स को ऐड कर देंगे, 4 + 3। और फर्स्ट पार्ट में हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 3। तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से होगा, 4 × 3 इज इक्वल टू 12, 4 + 3 इज इक्वल टू 7। 1 को एज इट इज लिख देंगे तो हमारा आंसर वो 1 2 7 1। यहाँ आप देख सकते हैं 1 1 1 × 1 0 1, यहाँ पर भी इकाई या 1 की प्लेस में 1 है, तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। इसके लिए हम आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लास्ट पार्ट में 1 ही रहेगा, सेकेंड पार्ट में रेस्ट ऑफ द नंबर 11 और 10 को हम ऐड कर देंगे, और फर्स्ट पार्ट में हम 11 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरीके से होगा, 11 × 10 इज इक्वल टू 110, 11 + 10 इज इक्वल टू 21, और लास्ट में 1 ही रहेगा। आपको याद रखना है सेकेंड और थर्ड पार्ट हमेशा 1 डिजिट में होगा, यहाँ सेकेंड पार्ट 2 डिजिट में है, इसलिए हम इसके आगे वाली संख्या को आगे ले जाकर ऐड कर देंगे। यहाँ आंसर इस तरीके से होगा, 1 1 0 + 2 इज इक्वल टू 2। 1 को ऐसे ही उतारेंगे और ये 1 भी ऐसे ही उतरेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 1 2 1 1। आप यहाँ देख रहे हैं 251 × 51, यहाँ पर भी इकाई या 1 की प्लेस में 1 है, मतलब यहाँ पर भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। हम आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, थर्ड पार्ट में हम डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, यहाँ पर इकाई के बाद जो या 1 की प्लेस के बाद जो नंबर्स बचे हुए हैं 25 और 5 को ऐड कर देंगे, 25 + 5, और यहाँ इन्हीं दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 25 × 5 इज इक्वल टू 125, 25 + 5 इज इक्वल टू 30, और यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा। मैंने आपको बताया यह आंसर हमेशा 1 डिजिट में आना चाहिए, 2 डिजिट में, इसलिए हम 3 को यहाँ लाकर सामने में ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 125 + 3 इज इक्वल टू 801। तो हमारा आंसर हो गया 12801। आई होप ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो, प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने प्रीसियस सजेशंस के लिए हमें कमेंट भी करें, और इन ट्रिक्स का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमारे अगले ट्रिक्स के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।